गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करी थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपको ये क्वेश्चन रैपिडली रिपीट करने हैं, मतलब रोजाना आप नियम बना लीजिए। लगभग 25 क्वेश्चन में डालती हूँ आपको, तो आप उनको रोजाना रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब ये टू का मतलब है कि सेकेंड डे आज हमारा। तो 26 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द कब जोड़े गए। इसका जवाब है भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। क्लियर है? बिल्कुल, दो शब्द हैं इसमें, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान भारत सरकार राजकीय अधिनियम 1935 की नकल है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ग्रहण किया गया है, जिसमें से उसने क्या क्या लिया है, जिसमें से संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था मुख्य रूप से ली गई हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकारों की बात की गई है, या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार बताइए। इसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसका जवाब है भारतीय संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किन स्वतंत्रताओं को उपबंधित किया गया है, मतलब कि किनको बैन किया गया है। इसमें है कि विचार, मतलब किन स्वतंत्रताओं को दिया गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की, तीसरा है देश में भ्रमण करने की, देश में कहीं भी निवास की, शांतिपूर्वक सम्मेलन की, तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न आता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान द्वारा क्या सीमाएं लगाई गई हैं, राज्य की सुरक्षा को देखते हुए या सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्याय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना, पृथकता की गतिविधियां आदि द्वारा इसको सीमित किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली दो याचिकाओं के नाम लिखने हैं। ये दो याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। इसमें आप उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा भी लिख सकते हैं। परमादेश क्या है? परमादेश का अर्थ होता है कि ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक आदेशात्मक लेख है। यह लेख उस समय तक जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इसके द्वारा पदाधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। क्लियर है? परमादेश क्या है? परमादेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेशात्मक लेख है, और यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है और उसके पदाधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है?
संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में की गई है, जिसमें संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो व्यक्ति न्यायालय का सहारा ले सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? यह लेख न्यायालय द्वारा किसी एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे संवैधानिक ढंग से बंदी बनाया गया हो। अधिकार प्रच्छा से क्या अभिप्राय है? यह एक व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को वह ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ रहा है, काम कर रहा है, जिसमें कि वो उसके योग्य नहीं है संवैधानिक कानून के अनुसार, तो उसे मना पूछा जाता है कि भाई आप किस हैसियत से इस पद पर बैठे हो। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध का अर्थ है वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंद करना। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं और ये संविधान के किस भाग में हैं? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं तथा ये भारतीय संविधान भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। क्लियर है? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतर क्या है? छोटा क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी दो अंतर आप इसमें बता सकते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकारों के पीछे क्या है? न्यायालय की बाध्यकारी शक्ति निहित होती है, जबकि नीति निदेशक तत्वों के पीछे कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। दूसरा लिख सकते हैं इसमें हम, मौलिक अधिकार राज्य पर कानूनी बंधन उत्पन्न करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य पर नैतिक बंधन उत्पन्न करते हैं। अर्थात अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति नागरिक कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों के लिए कहीं भी कोर्ट में जाने की कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों की दो विशेषताएं बताइए। मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है क्योंकि इन पर युक्तियुक्त बंधन लगाया जा सकता है। दूसरी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करिए। इसका आंसर है कि भारतीय संविधान एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, प्रतीकों, राष्ट्रध्वज का आदर करना होगा। दूसरी बात है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को पुष्टि करनी होगी, मतलब उसकी एकता अखंडता की रक्षा करनी होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसमें कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों का स्थान सुरक्षित रखा गया है तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधीन जो भी सेवाएं हैं उनमें इनके लिए पद आरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के तथा अनुच्छेद 51 के में नागरिकों के जिन कर्तव्यों को गिनाया गया है वे भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के कोई दो महत्व लिखिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की स्थापना से अधिकारों
और मूल कर्तव्यों में स्वस्थ संतुलन स्थापित होता है। मौलिक कर्तव्य व्यक्ति में सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्यों की कोई दो कमियां या दोष बताइए। जवाब है इसका कि ये बाध्यकारी नहीं है, इनकी उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात आती है, मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है। मूल कर्तव्य कितने हैं? प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन संवैधानिक 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो 11 हो गई है। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्वों से संबंधित चर्चा करी। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।